मधुमेह यानी डायबिटीज के योग द्वारा रोकथाम कैसे करें? कैसे करें अपने शरीर को मधुमेह मुक्त? जानिए प्रसिद्ध योग गुरु सुनील जी से। डीवीडी उपलब्ध आयुर्योगयात्रा.com पर। फाइनली हम सब एक ही का लॉन्च हो रहा है तो जी. कैसी फीलिंग है, क्या कहना चाहेंगे? जगजीत सिंह का ये लास्ट सॉन्ग था जी, एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग है मुझे. मैंने ऐसे प्रोफेशनल नहीं बट बाकायदा एक हिंदुस्तानी के नाते इस प्रोजेक्ट से मैं जुड़ा हूँ. मैंने ज़्यादा गाया भी नहीं है, बहुत चंद लाइनें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चंद या ज़्यादा लाइनों की बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और हमारे देश के फाउंडेशनल चार अल्फाज है. और बिल्कुल मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि हम सब एक हैं. जगजीत सिंह जैसे बड़े कलाकार का नाम जुड़ा हुआ है तो उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके संगीत जिस तरह के हम सुनते आए हैं जी, उनके संगीत के बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक जगजीत सिंह जी एक लेजेंड है और उनकी जैसी आवाज़ शायद ही लोगों ने सुनी होगी. जब संगीत की बात करते हैं तो आई थिंक वो परफेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. मुझे कभी उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस कम से कम इस गाने के थ्रू किसी ना किसी तरीके से तो मैंने उनके साथ काम किया है. जैसे आपने कहा कि कभी उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर जगजीत सिंह के गानों की बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है? उनकी गजलें बहुत सारे हैं उनके, लेकिन उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए खलनायक फिल्म में एक गाना गाया. सुना है? नहीं, किसने सुना होगा. उन्होंने गाया है, ऐ माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम. ये मुझे इतना पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर आप लोगों को वही लगता है जो दूसरे उनके बहुत सारे पॉपुलर हैं, लेकिन मैं म्यूजिशियन हूँ तो मैं खोज के निकालता हूँ चीज़ें, तो मुझे वो बहुत पसंद. म्यूजिक इंडस्ट्री में जो चेंजेस है उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले के जो ट्रेंड थे और अब का जो ट्रेंड है दैट इज टोटली डिफरेंट, तो वो क्या कैसे कैसे जज करेंगे? चेंज इज कॉन्स्टेंट, गीता का सार है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है. तो आई थिंक चीज़ों को ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए. अगर चेंज हुआ है तो मैं भी उसका हिस्सा ही हूँ, तो मैं किसी जनरेशन को कंडेम नहीं करता. मुझे लगता है हर दौर के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं और मैं बहुत खुश हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन? आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन 3 अदर फिल्म्स. आई एम नॉट हियर फॉर दैट बट इमीडिएटली माय नेक्स्ट रिलीज विल बी अक्सर टू. गाते हुए भी नहीं? एनी सिंगिंग प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग? आई एम नॉट सिंगिंग नाउडेज, आई एम प्राइमरली अ कंपोजर, सिंगिंग अ लिटिल लेस राइट नाउ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.